नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश पुलिस दबंग होने के साथ साथ कितनी दागदार है ये तो आप जानते ही हैं। रेप करने से लेकर अश्लील वीडियो बनाने, डराने, धमकाने की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। बेशर्मी तो इतनी सवार है कि यूपी पुलिस पर थाने में ही रेप करने के आरोप लग चुके हैं। कहीं रेप करने की खबरें हैं तो कहीं रेप करने के आरोपियों के साथ साठगांठ करने का आरोप। इन्हीं खबरों के चलते, इन्हीं करतूतों के चलते एक महिला इतनी परेशान हुई कि दरोगा जीप पर सड़क से लेकर थाने तक में चप्पलों से दौड़ा कर मारा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से एक वीडियो सामने आया है जिसने पुलिस प्रशासन की भयंकर किरकिरी करवाने का काम कर रखा है। जहां पर एक महिला ने चप्पलों से दौड़ा दौड़ा कर दरोगा को मारा है, तो वही चप्पलों की माला पहनाने की भी कोशिश की है। पहले कैसा वीडियो सामने आया है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की भी किरकिरी करवा रहा है, तो वही पुलिस प्रशासन की भी भारी फजीहत करवा रहा है। वीडियो देखिए, उसके बाद आपको मामला बताते हैं। अरे हाँ, बढ़ जाओ एक पीछे, राहुल पीछे ड्रामा कर रहे हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि महिला कैसे ताबड़तोड़ लगातार चप्पलों की बारिश करती है। सड़क पर दरोगा भागने की कोशिश करते हैं, थाने में भी चले जाते हैं, लेकिन महिला है कि रुकने का नाम नहीं लेती है, लगातार चप्पलें बरसाती है, एक के बाद एक मारती है। जो महिला पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, रोकने की कोशिश करती है, जो दरोगा है वो भी बचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई बच नहीं पाता है। अकेली महिला लगातार चप्पलों की बारिश करती है, उसके बाद महिला पुलिसकर्मी उसको पकड़ लेती है और वो सड़क पर गिर कर रोने लगती है। क्या है मामला, क्यों इतनी महिला परेशान हो गई दरोगा से कि उसको ये सब करना पड़ा, मामला भी आपको बताते हैं। बता दें कि इस वीडियो को सत्य प्रकाश भारती पत्रकार हैं, शेयर करते हुए लिखते हैं कि मुस्लिम महिला से निकाह का झांसा देकर युवक 15 साल तक रेप करता रहा, शिकायत पर दरोगा ने सुनवाई नहीं की, आज महिला ने चप्पलों से पीट दिया। कितना पीटा है आप देख सकते हैं। आगे लिखा है कि यूपी में बरेली के बहेड़ी क्षेत्र के फरीदपुर में महिला रहती है, निकाह का झांसा देकर युवक ने 15 साल तक रेप किया, पुलिस महीनों से भटका रही थी। तो पुलिस महीनों से भटका रही थी, इसीलिए महिला ने अपना गुस्सा किस तरीके से जाहिर किया है आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके साथ ही पुलिस का क्या कहना है, क्या आरोप लगाए गए हैं, आपको पूरा मामला बताते हैं। आज तक की खबर देखिएगा, इसमें लिखा है कि बरेली में एसएसपी ऑफिस के बाहर महिला ने दरोगा को चप्पलों से पीटा, लगाए गंभीर आरोप। वीडियो हम आपको दिखा चुके हैं, अब मामला बताते हैं। देखिएगा, खबर में अंदर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में एसएसपी ऑफिस के बाहर एक महिला ने दरोगा को चप्पल से पीट दिया। हंगामा देख लोगों की भीड़ लग गई और लोग मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। महिला का आरोप था कि दरोगा ने अपनी तैनाती के बाद बेवजह उसे जेल भेज दिया था और पैसे लेकर दूसरे पक्ष का साथ दिया। दरोगा को पीटते हुए महिला पुलिस दफ्तर के अंदर ले गई और जमकर खरी खोटी सुनाई। महिला लगातार अपने साथ हुई नाइंसाफी की शिकायत करती रही, कैसे चप्पलें बरसाई है, कैसे जूतों की माला पहनाने की कोशिश की, आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी में आगे लिखा भी हुआ है कि इसी दौरान दरोगा को जूतों की माला पहनाने की भी कोशिश की गई। महिला का आरोप है कि पुलिस दूसरे पक्ष से साठगांठ करके समझौता करने का दबाव बना रही है। मामला सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने भी महिला से बात की। एसपी क्राइम का कहना है कि महिला मानसिक रूप से अभी अशांत है, काउंसलिंग कराने के बाद ही उससे इस प्रकरण पर बात की जाएगी। तो एसपी क्राइम का बयान आ गया है कि महिला मानसिक रूप से ठीक नहीं है,
जिस महिला को इतना परेशान किया जाएगा, जिस महिला के साथ 15 साल तक रेप हुआ है, शादी का झांसा दिया गया है, वो लगातार महीनों से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है, अपनी शिकायत दर्ज कर रही है, अगर उसकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी और उल्टा उसी को जेल भेज दिया जाएगा तो उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ना लाजमी है। और कैसे वो अपना मतलब देख सकते हैं कि कैसे वो किस घटना को अंजाम दे रही है, और वो जानती है कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन इसके बावजूद उसके साथ नाइंसाफी हुई है, उसके खिलाफ वो अपनी आवाज बुलंद कर रही है। आगे खबर में लिखा हुआ है, आगे खबर में देखिएगा कि महिला ने क्या 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 कहना है। इसमें लिखा है कि पीड़ित महिला ने कहा है कि हाफिज पुत्र फिराज पुत्र शबीर ने 15 साल पहले शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया था। जब उसने शादी की बात कही तो लड़के के घर वालों ने उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज कर भगा दिया। इसको लेकर कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन दरोगा शिकायत के बाद आरोपी से सांठगांठ कर समझौता नामा लगा दिया गया है, जबकि उसने अभी किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया है। महिला का आरोप है कि बेवजह झूठा केस लगाकर दरोगा ने अपनी तैनाती के दौरान उसे जेल भेज दिया था। अब दरोगा बरेली के थाना प्रेमनगर में तैनात है। तो इस दरोगा पर पैसे लेने का आरोप है, इस दरोगा पर बिना किसी जुर्म के उस महिला को जेल में भेजने का आरोप है, और महिला को भटकाने का आरोप है, और इसी के चलते महिला ने अपना इंसाफ की गुहार के साथ ही कैसे जूतों की बारिश की है, चप्पलों की बारिश की है, आप वीडियो में देख सकते हैं। जो यूपी पुलिस खुद रेप के आरोपों से घिरी हो, अगर उस पर ये आरोप लग जाए कि वो रेप के आरोपियों के साथ सांठगांठ कर रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है, आपको कुछ खबरें भी दिखा देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे रामराज चल रहा है जिसका दावा ठोका जाता है। आज की ही खबर है, आज तक की खबर है, इसमें देखिएगा, इसमें लिखा है कन्नौज बेटी के लिए इंसाफ मांगने पहुंची मां के साथ इंस्पेक्टर ने किया रेप, एसपी ने भेजा जेल। तो इंस्पेक्टर ने जो मां पहुंची थी अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने के लिए, उसके ही साथ रेप कर दिया। किसने किया? इंस्पेक्टर ने किया है, ये आज की ही खबर है। और देखिएगा ये खबर, आप देखिए, सब आपको कुछ पिछले दिनों की खबरें दिखा रही हूँ, 27 अगस्त की खबर देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि युवती ने दरोगा पर लगाया रेप का आरोप, बोली 2 बार प्रेग्नेंट होने पर कराया गर्भपात। तो इसी तरह की खबरें लगातार आती रहती है, अगर आप सर्च करने बैठेंगे तो सर्च करते करते थक जाएंगे, लेकिन खबरें खत्म नहीं होंगी जो कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की वर्दी को दागदार करती हैं। आप देखिए 29 अगस्त की खबर है, कल की खबर, इसमें लिखा हुआ है कि मुरादाबाद में पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ रेप का आरोप, युवती की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। तो इस तरह की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश में अगस्त की खबरें हैं जो कि पिछले दिनों की खबरें। बरेली की एक खबर देख लीजिए, 26 अगस्त की खबर है, इसमें लिखा हुआ है बरेली रेप खाकी हुई दागदार, जांच के बहाने हमदर्द बना इंस्पेक्टर, फिर किया महिला से रेप, अश्लील वीडियो भी बनाया। तो ये खबरें हैं बरेली की, मुरादाबाद की, गोरखपुर की, उत्तर प्रदेश की। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रामराज का जो दावा किया जाता है वो कितना खोखला है। बरेली में रेप हुआ है, बरेली में रेप के जो आरोपी उनके साथ सांठगांठ की गई है, और कैसे महिला को ही मानसिक रूप से असंतुलित बताकर कैसे पल्ला झाड़ लिया जाता है, आप देख सकते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के सम्मान की बात करने वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और कैसे विकास की गंगा बह रही है, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कैसे महिलाओं और बहन बेटियों के अपमान किया जा रहा है, कैसे उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है, आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के रामराज पर जो वर्दी है, जो वर्दी दागदार हो रही है यूपी पुलिस प्रशासन पर, आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।